बलूचिस्तान के नौजवानों को वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ने के मौके देंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब मरियम नवाज की नेशनल पार्टी वफ़द की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान के नौजवानों की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ। अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दोनों को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। 1-1 लाख रुपए मचलकों की एवज जमानत मंजूर की गई। 9 मई वाकयात से मुतालिक दोनों पर थाना तरनोल में मुकदमा दर्ज है। मेयर कराची का इलेक्शन नामंजूर। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कराची के गली कूचों में पीपल्स पार्टी की आमराना सियासत को दफन करेंगे। कराची का मेयर सिंध हुकूमत के गले में कांटा साबित होगा। नईमुर रहमान बोले, कराची के हक पर डाका पूरे पाकिस्तान के हक पर डाका है। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर कोई परेशान हो हैरान। सालाना बुनियाद पर हफ्तावार महंगाई में 34% इजाफा। आटा और चाय 100% महंगी हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। चिकन, चावल, आलू, डबल रोटी और दाल माश की कीमत में भी इजाफा। प्याज की कीमत में 25% और टमाटर की कीमत में 24% कमी वाकई हुई। सरगोधा DHQ अस्पताल में अमवात कैसे हुई, वामा बन गया। लवाहिकीन के मुताबिक एसी बंद होने से 10 बच्चे जाँ बहक हुए। MS यूनुस सदीकी ने दावा किया है कि अस्पताल में रूटीन की डेथ हुई, एसी जल्द ठीक कर दिए जाए। ईद कुर्बान की आमद आमद, मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। जानवरों की कीमतें आसमानों पर, शहरी परेशान, विंडो शॉपिंग तक ही महदूद। सूरज का 3rd degree टॉर्चर, मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की लहर, पारा 40 से ऊपर रहा। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। शहरियों को दोपहर के वक्त गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। कल तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। 25 से 30 जून के दरमियान प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। उधर शुमाली इलाकों में गर्मी की लहर, ग्लेशियर पिघलने लगे, दरियाओं में तूफानी आ गई। एक तो शदीद गर्मी, दूसरा लोड शेडिंग का असर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग, शहरी बिलबिला उठे। पेस्को का एक्शन, बिजली बिलों की अदम अदायगी पर मुतअद्दिद ट्यूबवेल्स की बिजली काट दी गई। दिलजाफ रोड, गुलबहार, हशनकरी, सर्कुलर रोड और दीगर इलाकों में ट्यूबवेल बंद। मुतासरा इलाकों में पानी की शदीद किल्लत। स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट छा गए। पाकिस्तान ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। फायजा नासिर और नाहिन खान ने बैडमिंटन वुमेन्स डबल यूनिफाइड के इवेंट में सोने का तमगा पाकिस्तान को दिलाया। बैडमिंटन मेंस यूनिफाइड डबल इवेंट में नौशवान आरिफ राजा और तलहा आसिफ ने पैराग्वे और मकाओ के खिलाफ सिल्वर मेडल जीता। T20 ब्लास्ट में मिडिलसेक्स ने अदब के ताकुब का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 3 विकेटों पर 254 रन बना दिए, सरे को शिकस्त दे दी। इंग्लिश सरजमीन पर T20 का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। 40 ओवर्स में 506 रन बने। मोदी की कांग्रेस में तकरीर, बाइडेन की डेमोक्रेट पार्टी के 6 अरकान का बायकॉट। भारतीय वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद, कांग्रेस के इजलास में शरीक न हुए। कहा, मोदी के भारत में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये सब नाकाबिले कबूल है। उधर मोदी के दौरे अमरीका पर व्हाइट हाउस के बाहर शदीद मुजाहिरा। सिख, इंडियन अमेरिकन कौंसिल और दीगर तंजीमों की नारेबाजी।
आज़मीन हज की सहूलत के लिए पहली बार सेल्फ ड्राइविंग बस सर्विस का आगाज। बस एक बार चार्ज होने के बाद 6 घंटे तक सफर कर सकती है। मक्का मुकरमा में किस्वा फैक्ट्री ने नया गिलाफे काबा तैयार कर लिया। गिलाफे काबा यकम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। और बहादुर एजेंट का हैकर से मुकाबला, जान दांव पर लगा दी। एक्शन से भरपूर नेटफ्लिक्स की फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन का ट्रेलर जारी। फिल्म 11 अगस्त को रिलीज की जाएगी।